आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सबको सच्चाई से रूबरू कराना हमारा कर्तव्य है कि इस समय क्या चल रहा है और क्या हो रहा है इस भारतवर्ष में। तो आप सब जानते हैं कि इस समय चर्चे में चल रहे हैं। हमारा सबसे पहला मकसद है कि आप किसी को भी किसी भी तरह की ठेस भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। जो सच्चाई है उसको बताना ही हमारा मकसद है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और बताने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम, आप में से बहुत से जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो बागेश्वर धाम आज के दौर में बहुत चर्चा में है। बागेश्वर धाम का संचालन करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी गर्ग हैं। तो वो इतने बड़े विख्यात और प्रकांड विद्वान हो चुके हैं वर्तमान में कि वो किसी के भी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को बता सकते हैं। और उनकी और कोई भी उनके पास में समस्या लेकर के जाता है, किसी बीमारी को लेकर जाता है, तो उनकी सारी बीमारियों का वो निवारण कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएँ हैं। उन शंकाओं के निवारण के लिए उनको आज आपकी अदालत में उनको उपस्थित होना पड़ा और उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। तो इस तरह के जो कई सवाल थे, उन्होंने पूछा गया कि आपको ये शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, आप ही ऐसे थे जिनको ये शक्तियाँ प्राप्त हुई, ऐसा क्या और कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको ये शक्तियाँ मिले, क्या आप पर ही हनुमान जी की कृपा होती है, इस संसार में और किसी पर नहीं होती क्या। और इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब बागेश्वर धाम के संचालक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से किए गए। और उनके पास में सिर्फ एक ही जवाब था कि ये हनुमान जी की कृपा है, बागेश्वर वाला जी कृपा है, सन्यासी कृपा है, उन्हीं के आदेश से वो ये सब कुछ करते हैं। भूत प्रेतों का निवारण भी वो इसी के साथ में करते हैं, किसी कष्टों का निवारण भी बालाजी कृपा से करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से करते हैं, उनके पास में कोई शक्तियां नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो फिर जब उनका ऐसा कहना है तो अब क्या होगा? अब पंडित जी का अब इतने सारे सवालों को देखते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से आरोप लग रहा है कि आप भोली भाली जनता को भड़का रहे हैं, उनको अंधविश्वास की ओर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को सच्चाई से भटका करके उसको अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं। तो ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है, यानी कि आप सजा के पूर्ण हकदार हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना यह है कि क्या बालाजी बागेश्वर धाम को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। अब देखा जाएगा कि क्या वाकई में ईश्वर की शक्ति है, और शक्ति की अगर उन शक्ति कृपा उनके भक्तों पर है, उनके भक्त पर है, तो क्या वो अपने भक्त की जान, क्या वो अपने भक्त की इज्जत और मर्यादा को बचा पाएंगे? तो जैसे ही हमको अपडेट मिलेगी या जानकारी मिलेगी, हम आपको सूचित कर देंगे। इस विषय में आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको हम सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जान पहचान वालों में वीडियो को शेयर करना, जिससे कि पता चले कि आज के युग में भी, अंधविश्वास के युग में भी क्या ऐसा कोई है जो बता सकता है कि ईश्वर है। क्योंकि आज के युग में कहीं भी ईश्वर नजर नहीं आता, ईश्वर के नाम पर तो सिर्फ अंधविश्वास ही नजर आता है, जिसका उपयोग करके लोग भोले भाले लोगों का शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं और उनका पूरी तरह से शोषण किया जाता है तन मन धन से। और फिर उनके पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कानून का, और वो कानून में जाते हैं और अपनी आप बीती को सुनाते हैं, तब जा कर के उनको न्याय मिलता है। और जो लोग उनके साथ में शोषण करते हैं, उनकी रक्षा करने वाला ना तो कोई भगवान आता है और ना ही कोई उनका गुरु आता है। तो ऐसी स्थिति में आप सावधान रहिए अंधविश्वासियों से। ईश्वर है इस बात को हम सब जानते हैं, सबके हृदय में होता है, लेकिन ईश्वर के नाम पर कोई दुरुपयोग करे यह उचित नहीं है। ईश्वर के नाम का कोई मजाक उड़ाए ये सही नहीं है।
तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप विज्ञान पर भरोसा रखें, साइंस पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, लेकिन जो ईश्वर के नाम पर जो ठगी है उनसे आप दूर रहे, सावधान रहे। धन्यवाद आपका हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।